अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं लाला मुसा। एक दोस्त हमारा जा रहा है दुबई और उसने दी हमें पार्टी, उसके लिए हमें जाना पड़ा है अभी लाला मुसा अल नूर कैफ़े पे, जहाँ पे मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई मिलती है बहुत ही अच्छी। हम काफ़ी दफ़ा वहाँ पे गए हैं, काफ़ी दफ़ा विज़िट किया है, तो दोस्त ने बोला है भाई पार्टी लेनी है तो आपने अल नूर कैफ़े पे जाना है तो फिर मिलेगी। फिर हमारा प्लान बना जी, रात के 9 बज गए थे जब हम निकले। कुछ दोस्त हमारे गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में इतनी स्पेस नहीं थी तो हमने बोला हम बाइक पे चले जाते हैं। कुछ दोस्त हम बाइक पे आए हैं और ये है जी अल नूर कैफ़े रेस्टोरेंट जो लाला मुसा के अंदर मौजूद है, और ये इसके बाहर के मनाजिर है सारे। ये ना जी है जी इनका दस्तरखान एरिया जहाँ पे हम बैठे हुए थे सारे दोस्त। सिटिंग एरिया भी था बट हमने जो जो हमें पसंद है वैसे, तो ये दस्तरखान है, यहाँ पे इजी आप बैठ के खाना खा सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। तो ये इनका सारा एम्बियंस है, आप चेक करें। ये एक अच्छी जगह होनी चाहिए खाने के लिए और खाना भी अच्छा होना चाहिए।
और ये दोनों चीज़ें आपको अल नूर रेस्टोरेंट पे ज़रूर मिलेंगी। भैया जी नेस्ले का पानी ने रखा नेस्ले का पानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हम आए जी अल नूर कैफ़े पे, लाला मूसा में ये अल नूर कैफ़े है, जी टी रोड के ऊपर है। तो देखते हैं कैसा रहता है इनका टेस्ट। अभी टाइम जो है तकरीबन 10 बज गए हैं, तो ऑर्डर दिए हुए तकरीबन 10 मिनट हो गया है और 9 बजे हम घर से निकले थे। 1 घंटा लग गया, सर्दी का दिन है, बहुत अच्छा सर्दी है। तो कुछ हमारे दोस्त गाड़ी में आए हैं, कुछ बाइक पे आए हैं, क्योंकि गाड़ी छोटी थी हमारे पास, है तो सेडान थी पर ये बंदे बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए बाइक मेरे दोस्त पीछे जो ना हंस रही है सर। देख लो मुंह साहब ने। तो ये है कि अभी ऑर्डर हमारा लग रहा है, आता है तो फिर जो है ना मसाले की डब्बियाँ वो रखी हुई हैं उधर, ये हमने वापस रखनी है इधर, इधर रखेंगे ला के। ये प्लेट वगैरह आ गई हैं, पानी की बोतल आ गई है, यहाँ पे रखी हुई है। तो कढ़ाई का बस इंतज़ार कर रहे हैं। ग्रेवी चेक कर है कि नहीं। गर्मी बाद लगती माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये जी मटन कढ़ाई अल नूर, ये है जी मटन ये है जी मटन। किधर जा रहे हो? गाय तो सिर्फ दो दीजिए। हाँ जी, अभी हमने खाना वगैरह खा लिया जी अलहमदिल्ला, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो ये अब मैं आपको टेबल की हालत दिखाता हूँ कि टेबल की हालत क्या है।
ये जी दस्तरखान की ये आदत है, ये सारी ये देखिए आप, ये सारे दोस्त साहब ने ये देखे बैठ जाओ भी देखते ये भाई ट्रीट दे रहे यार थोड़े साल लेट हुए पर बहुत मज़ा आया जी, बहुत इंजॉय किया खाने को, माशाल्लाह कढ़ाई बहुत ही मज़े की थी और कमाल हो गया जी। आज सर्दी में इतनी दूर से मैं गुजरात से लारा मुसा आए हैं एक कढ़ाई के लिए, मतलब सर्दी में तो काफ़ी मज़ा आया जी। तो मिलते हैं अभी किसी अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह, तो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और मेरे चैनल पर आपको सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, आपकी वजह से ये चैनल चल रहा है। तो मिल जाए अगले ब्लॉग में, अल्लाह।